हेलो गेमिंग के सहजादो, स्वागत है आप लोगों का गॉड ऑफ वॉर में। तो अगर आप भी भूले भटके मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, तो आज हम ट्रेवल करने वाले हैं हेलहाइम रेलम्स में। तो अभी हम हेलहाइम जब जाएंगे, क्योंकि हमारा जो बच्चा है ना वो काफ़ी बीमार हो गया है, तो हेलहाइम जाना बहुत ज़रूरी है ताकि हम वहाँ से उसका प्राण वापस लेके आ पाएँ। तो हेलहाइम मतलब एक नरक का सफ़र होने वाला है, जहाँ पे मरे हुए लोग जाते हैं और वही बोलते हैं ना, बाप वाप का सजा दिया जाता है। तो ये एल्फाइम है और ये है हेलहाइम। तो हेलहाइम तक हम अपना क्या बोलते हैं, टेलीपोर्ट प्रकाश गति स्पीड शुरू करते हैं। ये सामने वाला गेट है हेलहाइम की तरफ। बोल रहे देखो कहाँ रुकता है, किधर निकल रहे भाई पेड़ पौधे। अच्छा यहाँ पे है, तो ये हमारा ब्रिज तैयार हो रहा है, काफी खूबसूरत ब्रिज है। अभी ये प्रकाश गति है, मतलब कि लाइट की स्पीड से अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हम मतलब इतना मतलब स्पीड में इतना तेज जाते हैं ना कि एक डायमेंशनल पार करके दूसरे डायमेंशनल में घुस जाते हैं। तो हमें हमारे पास ब्लेड ऑफ क्योज भी है, तो डरने की तब कोई भी बात नहीं है। अब कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना आ जाए, ब्लेड ऑफ क्योज हाथ में रहेगा तो और ज़्यादा मजा आने वाला है। वैसे दोनों अपना जितना दोनों अस्त्र ना एक नंबर है, पर सबको पता रहेगा ब्लेड ऑफ क्योज की बात ही कुछ और है। I'll be watching your back. हाँ हाँ। Let me take this moment to tell you that what you are about to do is absolutely insane. Odin can survive this cold. So, I hope those blades work. तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का नरक में। तो नरक कुछ इस तरह दिखता है गॉड ऑफ वॉर में। सब जगह पे अलग अलग कॉन्सेप्ट है नरक को दिखाने का, तो फिलहाल मैं यहाँ पे थोड़ा विजिट करना पसंद करूँगा। No, we're still on the realm travel bridge. We're after the bridge of the damned. The dead use it to cross into their permanent home, the city of Helheim. The bridge keeper who minds admission, he's the one we want. Just follow this bridge, should lead us straight to him. You know, I'd really hope never to see this place again. But मैं इस जगह को काफी ज्यादा विजिट करना पसंद करूंगा, क्योंकि ये हेलहाइम है ना, तो नरक कुछ वैसा दिखता है, नरक में क्या क्या है ये जानने में मैं कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड हूँ। फिलहाल मैं इसको मार रहा हूँ पर ये मर नहीं रहे, क्योंकि हमारा जो तलवार है ना वो बर्फ से बना है और इनका जो बॉडी है वो भी बर्फ से बना हुआ है। तो दोनों जब सेम रेजिस्टेंस के बने हैं ना, तो हमारा वाला तलवार काम नहीं कर रहा है और हमारा जो ब्लेड ऑफ क्योस है ना, ये तपते हुए लावा में बना है, तो इसमें आग की कमी नहीं है। ये बड़े आराम से बर्फ को पिघला दिया और सारे लोग मर चुके हैं। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ अभी ट्रेवल करने को तो है नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, हम अपने तलवार के आग से इसको भी जला के रख देंगे। उससे पहले देखते हैं खजाने में क्या है। ऑलराइट, वन ऑफ द मेनी रीजंस वी वेंट बैक फॉर दोस ब्लेड्स। ओके, तो दुश्मन है यहाँ पे भाई साहब, मजा आने वाला है। और कोई है क्या? ओके, तो पीछे के साइड है ये लोग। ओहो क्या बात है, आधे लोग तो मुझे दिख ही नहीं रहे हैं कहाँ पे। ओ तेरी, ये तो कूद के भाई साहब ऊपर झपटने आ रहा था मुझे। तो सारे बॉक्स वॉक्स को तोड़ के यहाँ पे लूट वगैरह एकदम अच्छे से कलेक्ट किया जा रहा है। अच्छा इसको जंप लेके जाना है, मैं इसको भी तोड़ने के चक्कर में पड़ गया। क्या बात है, चैन थोड़ा छोटा पड़ गया है यार। पुराने गॉड ऑफ वॉर में शायद से चैन और भी ज़्यादा बड़े हुआ करते थे, पर यहाँ पे थोड़ा सा छोटा है, देख रहे हो, पकड़ नहीं पा रहा है। अरे बाप रे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ढेर सारे आत्माएं हैं। तो नरक में अग्नि का बारिश करा दिया मैं। ये आत्माएं को कुछ भी कर लो पर चोट नहीं पहुंचा सकते हम। देख रहे हो, ये लोग ठंड फील कर पा रहे हैं। Without the Valkyrie to sort and cull them, hell is overwhelmed.
ऑलराइट, सच बताओ तो मिमिर कुछ गहरी बातें कर रहे थे पर बोलने की वजह से मैं सुन नहीं पाया। अच्छे लोग हाथ ऐसा रख रहे हैं तो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि ये लोगों को ठंड लग रही है। What? Now what? तो ये द्वार लॉक है, तो ये लोग इसके आर पार कैसे जा रहे हैं? ठीक उसी प्रकार से ये लोग उसके आर पार जा रहे हैं जिस प्रकार से अपने बॉडी के आर पार चले जा रहे हैं। तो ये सब के सब नरक की तरफ बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। एक मिनट यार, ये ओपन होगा क्या? दिखा तो रहा है कि मार्क ओपन होगा। क्या कर सकते हैं, कुछ करना है पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ अभी अच्छे से। छोड़ो, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अपना रास्ता दिया नहीं है पर हम अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। ऑलराइट, कुछ तो लिखा हुआ है दीवार पे, जरा आप लोग एक बार ध्यान से देखिए। शायद हमारा बच्चा रहता तो वो पढ़ के बता देता कि यहाँ पे क्या लिखा है, बट मैं अपने बेटे को सोच नहीं रहा हूँ कि हेलहाइम में ले गया हूँ। अगर कुछ मिशन वगैरह पड़ा, मतलब आना पड़ा मजबूरी में, तो बात अलग है, पर खुद की इच्छा से तो मैं आना नहीं पसंद करूँगा। और राइट भाई साहब, ये शील्ड लिया है बंदा, क्या बात है, बड़े योद्धा है भाई साहब ये। यार ये लोग ब्लेड ऑफ क्लोज को रोक ले रहे हैं, अरे वाह, लगता है लोगों दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर। ब्लेड ऑफ क्लोज को हल्के में मत लिया करो यार। और कोई यार है? लो भाई साहब, एक फील्ड वाला रह गया है यार। अब ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा मैं दिव्य शक्ति का भी प्रयोग कर लूँगा। ऑलराइट भाई साहब, इसके ऊपर पूरा रूविनिक अटैक मार दिया पर कुछ नहीं हुआ। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम मारेंगे अपने ब्लेड ऑफ क्योर से। तो देखते ही देखते दुश्मन एकदम चुटकियों की तरह मिटाते हुए जा रहा है अपना क्रेटोस भाई, क्योंकि यार बात आज इसके बच्चे की लाइफ की है। तो जल्दी से देखते हैं अपने बच्चे का जीवन, क्या बोलते हैं उसका औषधि जीवन क्या चाहिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा बहुत गेम प्ले भूल गया हूँ, पर इसको किसी चीज़ की तो ज़रूरत है जो कि नर्क में ही मिलेगा। इसके कारण Time doesn't move the same between all realms, especially where the spirit world is concerned. Like the Light of Alfheim? The opposite, in fact. The Lake of Souls feels faster than Alfheim time, but Hell is much slower than Midgard. Sorry, I'm sure that's confusing. If we will be back to my son all the sooner, that is good. Ah, aren't you a quick study? Okay, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नरक में हम कितना भी टाइम रुकें, मतलब यहाँ का टाइम काफ़ी स्लो है। लाइक अगर हम यहाँ पे दो दिन रहेंगे तो शायद मिडगार्ड में दो घंटे हुआ रहे, कुछ भी बोल सकते हैं। तो वो तो एक अच्छी बात है कि अपना बच्चा जो बीमार है उसके पास हम जल्द से जल्द पहुँच पाएंगे। और कोई है मरने के लिए कि सब निपट चुके? ये सब कैसे मूर्तियाँ हैं यार, जिसमें से मतलब कि एनर्जी चूसा जा रहा है। ऑलराइट यार, ओ फिर से ऊपर जाना है क्या यार? ऊपर जाने के मूड में थोड़ा भी नहीं हूं मैं। और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? ओ तेरी, अच्छा भैया ये आ रहे हैं। तुम तो यार भारी इंट्रो रख लियो अपना गेम में आने का। कैसी लगी धमाका? मैं भी स्पाइडरमैन का फैन हूँ, आज तो स्पाइडरमैन स्टाइल में मारूंगा। ले तेरी तो, आए हाय सब ध्यान दे यू कर दिया आज मैं तो।
एक लोग रह गए हैं, इनको भी जरा हम आराम से देते खर्चा पानी। लगता है मैं रणभूमि में उतर गया हूँ, यहाँ पे लोग आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं। अरे वाह, इज इट विद इन हेल? ओह नो नो, वाल्हाला इज पार्ट ऑफ एस्कार्ड। Only the worthy dead go there, the warriors who die in glorious combat. Hell is for those who die in dishonor. Criminals. Aye. Okay. And those dead of disease, mishap, age. It is dishonorable to grow old. Well, never too late to go out fighting, I suppose. ऑल राइट, तो यहाँ पे जो ब्रिज है झाड़, ये तो मुझे दिख ही नहीं जाता, तो रास्ता ढूंढने में यहाँ पे मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, इस वजह से थोड़ा गेम प्ले कट कर दिया हूँ। पर दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे हम जो भी है पेड़ को जलाते हैं और ये पत्थर नीचे गिरता है, फिर पत्थर के ऊपर चढ़ेंगे और इस पहाड़ पर चढ़ाई करेंगे एकदम लारा क्रॉफ्ट स्टाइल में, जैसे कि टॉम राइडर में करते हैं। I don't expect it will, though I don't suppose it will make things any worse either. It'll be one less obstacle for the living to reach the inner sanctum of Helheim. But who'd be mad enough to go there? यार मैं सोच रहा हूँ कि अगर मतलब कि ये जो हेल में आया और यहाँ पे आउटलश जैसा काफी हॉरर बना देता, मतलब थर्ड पर्सन हॉरर कुछ बना देता जिसमें ढेर सारे जंप स्केयर रहते, तो मजा ही आ जाता। मतलब कि नरक में आओ डर लग रहा है, मतलब समझ रहे ना, थोड़ा राइमिंग हो जाता। ऑल राइट दोस्तों, तो यहाँ पे एक रास्ता है, पर ये रास्ता लॉक है यार ड्रैगन क्रिस्टल से। तो ड्रैगन क्रिस्टल से जब लॉक है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा बच्चा रहता ना तो वो यहाँ पे हेल्प कर देता, पर फिलहाल बच्चा अभी बीमार है और उसके दवा लेने के लिए हम यहाँ पे आए हैं ना। तो देखते हैं अभी अपने को जाना कहाँ पे, किस रास्ते पे। ओ, काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है यहाँ पे, कुछ तो भयंकर होने वाला है। And there's the keeper, making sure the dead are really dead. What is that he holds? That totem contains a powerful source of magical energy, the very power of Helheim itself. But what you want is his heart. Just take it and we can leave. How? Start some trouble. You can do that, right? अरे काफी डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे दो दो बॉस है, एक कुल्हाड़ी ले खड़ा है और एक उल्लू है। एक साथ दोनों हमला ना बोले तो ठीक है, वन बाय वन तो कोई जीत नहीं पाएगा जल्दी कैरेटो से। ऑल राइट, यहाँ पे कुछ भी नहीं है आई गेस, थोड़ा तो भी एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। ओके, हेल्थ वगैरह रखा है, अगर आके लेना है ले लो, अगर आपका हेल्थ कम है तो। मेरा तो पहले से पूरा भरा हुआ है यार, ये क्या चीज़ है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये देख रहे हो आत्माएं खींच के जा रहे नरक की तरफ। अगर आप लोगों को याद रहेगा क्रेटोस भी ऐसे ही एक बार नरक में गिरा था आत्मा बन के, बट वो फिर नरक से भी भाग गया था। तो चलो एंट्री मारते फ्रंट गेट से और देखते हैं यहाँ पे थोड़ी दूर पहले लूट वगैरह। अरे लूट वगैरह से पहले पहले ओहो क्या बात है, ये हुई ना क्रेटोस की लेवल वाली बात। लंबे अरसे से कोई भयंकर फाइट नहीं हुआ है यार, अब आएगा मजा। तेरी ये तो गायब हो रहा है साहब, मिस्टर इंडिया की घड़ी कहाँ से मिल गई इसको, क्या बात है। पहले इसे स्ट्रेटजी समझो, ज़्यादा मूव्स नहीं करते ये लोग। देख लो भाई, तो हाथ से इतना मार दिया मैं। अरे बाप, अभी ब्लेड ऑफ क्योस निकालो, पहले हाथ से मारता हूँ, मजा आ रहा हाथ से मारने में। अब ब्लेड ऑफ क्योस भी निकाल लेता हूँ। अरे बाप रे, ये हवा में क्या चूस छोड़ा है भाई साहब। लो अब ब्लेड ऑफ क्योस इतना फिट हो चुका है इनके बॉडी में। अरे भाई कभी क्या कर रहा है, ये अपनी दिव्य शक्तियाँ हमको दिखा रहे हैं, हम भी दिखाएंगे इसको अपना पावर, लेकिन टाइम आने दो, अभी स्टार्टिंग में इसको कमजोर नहीं करना है।
ये क्या कर रहा है यार, साला जमीन में लहर उठा दे रहा है समुद्र जैसा। ऑलराइट, जमीनी लहर से बचते हैं हम, अब इसके ऊपर हमला करते हैं। ओहो, वेस्ट हो गया। खैर कोई बात नहीं, अच्छा ये तो चिघर रहा है बड़ा तेज। अरे चिंटुकले लो आए हैं, देख रहे हो जब दो बड़े लड़ रहे हैं तो उसमें छोटे लोग लड़ने नहीं आना चाहिए। वैसे इसका जो गायब होके मतलब तरीका है ना, काफी बेहतरीन है, लेकिन सेम तरीके से बार बार हमला कर रहा है, जिसके कारण स्ट्रेटेजी समझ में आ जाता है ना, कैसे बचना है कैसे नहीं। कुछ अलग मूव नहीं मार रहे, जमीनी लहर आ रहे भाई साहब। और राइट, मैं यहाँ पे साइड हट जाता हूँ, यहाँ तक जमीनी लहर पहुँची गई नहीं। कहाँ गया यार, ये जो गायब हो जाता है ना, ये चीटिंग कर लेता है। लो भाई साहब, अग्नि का वर्षा करा दिया मैं। भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, हम भी थोड़ा जादू मंत्र कर लेते हैं। इतना तान तान के मार रहा है ना भाई साहब, अगर एक भी पत्थर पड़ेगा ना तो एकदम चटनी बन जाएगा, कुचल देगा भाई साहब पूरा। वैसे बर्फ वाले से इसको भी चोट नहीं लग रहा है, देख रहे हो। एक मिनट, थोड़ा रिवेनी का अटैक मारता हूँ मैं इसके ऊपर, तब पता चलेगा इसके अंदर क्या हो रहा है। मुंह पे इतना मारा, थोड़ा सा भी डैमेज नहीं लगा, तो इसको रखना पड़ेगा और ब्लेड ऑफ क्योर सी निकालना पड़ेगा, या फिर हाथ से भी मार सकते हैं। जमीन से लहर निकाल रहा है भाई साहब, मर ही नहीं रहे। ओके, तो इनका अंत नजदीक है, तो इनको अपना फिनिशर देते हुए क्रेटोस। Now the heart, brother. You'll have to get your hands dirty. Nothing more. You're set. Can't not to linger here, though, eh?
Kratos. Zeus. Zeus? My father. Your father was Zeus? Well, that explains a lot. What is that place? Never go there. Understand? How is he here? That is not possible. It's just an illusion. Hell's known for torturing its inhabitants with their own past. We should focus on getting back to your son. Psst. Yeah. Shh. He ain't supposed to be here. It's cold. Real quick, give me your blades. Why? Yeah, I said I'd help you and I aim to. Come on. My equipment's in Midgard. Be right back. Yeah. You don't suppose he'd nick those, do you? There. Now they're ready for the winds of hell. Just target this magical glowy bit here with your blades and throw. Now target that wind trap with your blades. It's that little ball hanging in the middle of the door there. See it? Just let her loose. ऑल राइट दोस्तों, कुछ नया एबिलिटी मिला अपने को, पर ये कैसी एबिलिटी है मुझे समझ में नहीं आ रही है। आखिर इसको खोल के अपने को क्या मिल रहा है, ये ओपन किया क्या मिला समझ में नहीं आया मुझे। अब इसको बंद करेंगे तो क्या होगा वो भी नहीं समझ में आया। चलो कोई बात नहीं। और मुझे एक चीज़ तो समझ में नहीं आया, नरक में तो काफ़ी कुछ देखने को मिला भाई साहब। ज्यूस आया देखने को मिला, ज्यूस वही जो कि बिजली के देवता हैं, मतलब एक बार बोल सकते हो कि थोर से भी ज़्यादा ताकतवर है ज्यूस बिजली के मामले में। ऑल राइट, ये चिड़िया से लड़ाई कैसे होगा यार, उल्लू इतना दूर बैठा है। आ जा भाई तू भी लड़ ले, यही टाइम है, मर जा जल्दी से। खैर कोई बात नहीं, नरक का सफ़र काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन था। और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया, ये जो जाइंट था ये अपने से लड़ क्यों रहा था? जब इसको पता था क्रेटोस आ रहा है तुम्हारा दिल लेने, तो इसको भागने चाहिए था ना अपने को देख के, उल्टा ये अपने से लड़ रहा था। This place is cold enough to freeze a pair of pigeon eggs. I sometimes wonder if there was once some sort of accident in his brain. We have been away too long. ये वाला खराब हो गया क्या? और इस पे काम नहीं कर रहे? कुछ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। शायद एक बंद कर, एक चालू हो जाता है तो एक टाइम पे एक ही होता है, ऐसा कुछ है, या फिर एक लिमिटेड टाइम कुछ होता रहेगा। ऑल राइट, यहाँ पर आत्माएँ आ रही है भाई साहब, नरक की तरह अभी भी जा रही हैं। चलो इसको भी ओपन करते हैं, पर ये ओपन नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा? अरे यार कुछ तो झोल है, कुछ ऐसा चीज़ जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसको ऑन करने का सही तरीका है? एक मिनट, ये जो ऑन है पहले इसको बंद करके देखता हूँ मैं। ऑल राइट, ये बंद हो गया, अब इसको ऑन करके देखता हूँ। अच्छा तो ये झोल है यहाँ पे, अब मैं समझा। एक ओपन करो तो एक बंद करो। अरे भाई साहब ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं सारे, नाइटमेयर्स आके दिमाग खराब कर रहे हैं। बर्फीला दानों साले, देखो तुम्हारे वजह से कोई आत्मा ना मर जाए। ऑलराइट, पिछला वाला बंद करना पड़ेगा ना। ओके, ये हुई ना बात, अब इसको ओपन करते हैं। क्या बात है, कोई बड़वार विलन नहीं आ रहा है, सब मुगड़े मुगड़े आ रहे हैं। बोलते हैं ना क्रेटोस के लेवल का एक्चुअली कोई है भी नहीं ना, कि जो इससे लड़े, कोई इसके लेवल का रहे तब समझ आए। यार इसके पीछे तो बर्फ लगा है, तो अभी आगे जाने के लिए यहाँ पे यार कुछ दिव्य बक्सा रखा है, थोड़ी मुश्किल होने वाली है यहाँ पे। कोई नया स्ट्रेटजी निकालना पड़ेगा। इसको ओपन करने के लिए पहले हमको उस पिछले वाले को बंद करना पड़ेगा। पिछले वाले को बंद कैसे कर पाएंगे?
ऑल राइट, यहाँ से ऊपर जा सकते क्या? ट्राई करते हैं ऊपर जाने को। बड़े ही आराम से ऊपर आ गए। इस तरफ पहले चलते हैं, यहाँ पे ड्रैगन क्रिस्टल है। ऑल राइट, ड्रैगन क्रिस्टल से बात नहीं बन रही है, छोड़ो इसको। अरे यार, दिख रहा था पीछे से दिख रहा था। अब मैं समझा क्या करना है। इसको यहाँ से बंद कर देते हैं और क्या। अब इस वाले को ओपन कर लेते हैं यहाँ से। चलो भाई साहब, दिव्य बक्सा में देखो क्या है। क्या बात है, बहुत खूब। इसको भी अभी बंद करते फिर आगे बढ़ते हैं, जरूरत नहीं उसको बंद करने का। I'm still stuck in what I had back there. Zeus was your father? Not now. We should focus on getting out of hell. And with that, I cannot argue. I'll just contemplate that little nugget in silence then. यहाँ पे एक साथ दो दो हैं। अरे यार, कुछ तो गड़बड़ है। एक बार में कोई एक साइड का ओपन हो रहा है। अच्छा, एक यहाँ पे है। सेकंड वाले को अब ओपन करते हैं। खुल जा सिमसिम। देखो इसी के बीच में कोई दुश्मन ना आ जाए बड़ा सा। क्या बात है, यहाँ पे कुछ तो बेहतरीन है। इन दोनों को बंद कर देते हैं, क्या पता आगे कुछ जरूरत पड़े। वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे यार। चलो अब इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। क्या बात है, दिव्य बक्सा यहाँ पे भी है। काफी सिक्योरिटी के साथ में रखा जाता है ये सब चीज। यहाँ पे क्या है, चलिए इसको ऑन किया मैं। अरे वाह, एक वॉरियर है, नाइट वॉरियर। नाइट वॉरियर वैसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। पिछले गेम प्ले में काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी इनसे लड़ने में, पर आज वाले गेम प्ले में नहीं होने वाली, क्योंकि आज हमारे पास ब्लेड ऑफ क्योस। भून के रख देंगे इसको हम। अरे वाह, काफ़ी फुर्तीला है। नाइस नाइस नाइस। ओहो, डैमेज दे रहा है यार ये तो। पर जितना डैमेज दे रहा है उससे ज़्यादा डैमेज खा भी गया ये। तो मरने वाले हो कि नहीं अभी? तो नाइट जितना तेज आए थे उतना तेज मर भी गए। ऑल राइट यार, काफ़ी कुछ मुझे समझ में आ नहीं रहा इस गेम का। पिछला वाला बंद करूँगा तो ये वाला ऑन होगा। तो चलिए पिछला वाले को पहले बंद करते हैं। और इसको ऑन करते हैं। ठीक उसी तरह के तरीके से। अरे यार, आगे नाइट मेट आ रहे हैं। अरे बम फेंक रहे उतना दूर से। और कौन कौन है? वाह, आत्माओं के बीच में लोग खाली छिप के बैठे हैं। ऑलराइट, यहाँ पे एक विंड है पर ये ओपन नहीं हो रहा है ना। खैर कोई बात नहीं, पिछला वाला पहले हम विंड को बंद करेंगे फिर इस वाले को ओपन कर पाएंगे। इसको बंद किया, तेजी में आगे चलते हैं। इसको ऑन करते हैं। ऑलराइट, ये ऑन हो गया। नाइस, पर हुआ क्या यार? मुझे लगा ये उठ जाएगा, लड़ेगा अपने से। इस वाले विंड को बंद करते हैं। और क्या कर सकते हैं?
कहां से लोग आ रहे भाई? आवाज तो आया पर है दिख नहीं रहे कोई। आगे बढ़ते दिख जाएंगे। ये हुई ना बात। अगर दुश्मन मिटा देते उसके बाद आराम से बिंड को ऑन ऑफ करेंगे। और कोई है लड़ने को? इस सब निपट गए, बड़े जल्दी मर जाते हैं। और लाइक एक विंड सामने दी है। तो सारे दुश्मन को लगभग मार दिए। और ये वाला एक मिनट, ये वाले विंड को खोलने के लिए अपने को पुराना पिछला वाला जो ऑन था उसको बंद करके आना पड़ेगा। अब ये चीज़ मैं समझ गया हूँ। तो उसको बंद करने के लिए हमको क्या करना होगा? पहले लूट वगैरह अच्छे से चेक कर लेता हूँ, जो भी पड़ा है सब उठा लेता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे भी कुछ पड़ा है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, पत्थर को, जेम्स जो भी था। हाँ तो सब कुछ अच्छे से चेक करते हुए चलते हैं, अपने को एक भी विंड को मिस नहीं करना है। ऑल राइट, एक खजाना ऊपर है। उड़ जा भाई, उड़ जा, लड़ते तुमसे हम। खजाने का बॉक्स पहले ऊपर, हम किसी तरीके से खजाने का बॉक्स लेने को ट्राई करते पहले। किधर ये विंड, इसको बंद करते हैं, उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, इस खजाने को लेते हैं। और इसके पीठ के पीछे भी विंड है, पर ये चालू क्यों नहीं हो रहा है यार? पिछला वाला तो बंद किया ना। अच्छा 10 सेकंड का ही टाइम होता है इस वजह से। तो हम क्या काम करते हैं, इसको बंद करते हैं और जो मतलब टाइम चल रहा है ना उस टाइम के हिसाब से अभी काम करेंगे। रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ यार मैं। ये जो 10 सेकंड लिख के आता है, मतलब उसी टाइम के अंदर करना है कि उसके बाद करना है? मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गया हूँ यार, थोड़ा अजीब सा पजल है ना इस वजह से। तो एक बार ये भी ट्राई करते हैं, पहले इसको बंद करते हैं, जो 10 सेकंड लिख के आते हैं उसी में एकदम तेजी में भाग के आते हैं और जल्दी से इसको ओपन करते हैं। क्या बात है, अब एकाक विंड और रहेगा। जब इसको बंद करूँगा मैं, आगे जाऊँगा तो कहाँ पर मिलेगा अपने को? लगभग 10 सेकंड में यहीं कहीं पे होना चाहिए था। इसके पीछे नहीं, ये इस वाले मूर्ति के पीछे होंगे। नहीं नहीं, इस मूर्ति के पीछे भी नहीं है। 10 सेकंड में यहाँ तक रन कर पाना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। ओपन हो जाए यार, खैर कुछ भी हो जाए, आज मैं ये वाले बॉक्स को लूट के ही रहूँगा। ऑल राइट, एक विंड यहाँ ऊपर है यार, मुझे दिख गया। अरे भाई साहब, वो भी पता है किस वजह से दिखा है? ये जो इसका ऑर्डिन का क्रो है ना, उसके वजह से दिख गया, नहीं तो दिखता नहीं। ऑल राइट, हम इसको बंद करते हैं और जो मेन वाला है उसके तरफ जाते हैं। ऑल राइट, इस वाले विंड को जल्दी चालू करते हैं। मैं ट्राई कर रहा था 10 सेकंड में मेन वाले तक पहुंचने के लिए, पर 10 सेकंड में यहां तक पहुंचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो एक काम करते, पहले जो ओडिन का क्रो वाला है, एक मिनट, ऊपर भी एक है विंड, ऊपर वाला विंड
समझ में नहीं आ रहा यार ये पजल कैसे सॉल्व किया जाएगा। जितना इजी समझ रहे हो उतना है नहीं यार, अपने खुद से पार करना पड़ रहा है ना, तो दिमाग उतना चल नहीं रहा है। अभी कोई यूट्यूब वीडियो देखा होता तो सब समझ में आ जाता पहले ही कि कैसे क्या करना है। खैर कोई बात नहीं, इसको बंद करते पहले हम, क्या बोलते हो, इसको बंद करते हैं और तेज़ी में भागते हैं। नहीं जा पाएंगे, तीन पहुंच ही नहीं सकते, 10 सेकेंड तो यहीं आते आते हो गया। तो ऑडिन का जो क्रो बैठा था ये वाले विंड को पहले हम ऑन करते हैं। इसको बंद किए और भाग के आएंगे। कम ऑन ऑडिन का क्रो वाले को ऑन करते हैं। क्या बात है, ये ऑन हो गया। We shouldn't delay, brother. It's straight back to Midgard with that heart. Your father was Zeus? I finally understand. I'm dangling from the hip of the bloody ghost of Sparta. Do not call me that. Oh, don't mistake me, brother. From what I heard, the Pantheon had it coming. It's still a bit to take in. I knew you hate gods, but you really can't stay away from them, can you? You must say nothing to the boy. He must never know. Bollocks, brother. Respectfully, bollocks. He has to know. He'll never be whole without the truth. Get it. You hate the gods. All gods. It's no accident that includes yourself. And it includes your boy. You see that? He feels that. You can't help what he is. You can't begin to help it because you haven't even told him. It's all connected, man. You will tell him nothing. Well. So you know that shortcut between realms? Well, I made it better. Or I might have broke it. We use that. I know you do. So I took a few gusts from them winds of hell and made it so it ain't just one way. Now you can use it to travel to and from. If I didn't break it. Then we can take it to Freya. There's an idea, brother. Might be some kinks to sort out, but you'll make it. Just go, brother. Well, you gentlemen certainly know how to get around.
Well, this isn't right. Eh, but close enough. He did say there were kinks. We must hurry. The heart. You have it. Yes. Back of your hand. He's still ill. I can break the fever, but to heal... He must know the truth of what he is. Yes. It is not so simple. Help me prop him up. Did I tell you that I have a son, too? It's been forever since I last saw him. At his birth, the runes foretold a needless death. The babe in my arms was so small, so helpless. I knew right then I would do anything to protect him, no matter the sacrifice. Of course, everything I did for myself. I let my needs, my fears, come before what he needed. And I couldn't see his resentment until it was too late. Don't make the same mistake. Have faith in him. I know the truth isn't simple, but nothing is when it involves your child. It is a curse. The boy has been cursed. Don't leave without me. I will not. I'm better now. I see that. Is he well enough to travel? For now. It won't happen again. I promise. You see that it does not. It's all about humanity. It's all about humanity.